हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे वुड सेलेक्ट की वेब सीरीज मेमोरीज को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेमोरीज ये वेब सीरीज 2 साल पहले व्यू पर रिलीज हुई थी और इसे अभी कुछ ही दिन पहले वुड सेलेक्ट पे भी रिलीज कर दिया गया है। और हाँ, ये वेब सीरीज दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में अवेलेबल है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी सिद्धार्थ नाम के एक रिपोर्टर की, जिसके पास एक सुपर पावर रहती है कि वो मरे हुए इंसान के लास्ट के कुछ मिनट देख सकता है, और वो अपनी सुपर पावर की हेल्प से पुलिस के साथ मिलकर मर्डर केस को सॉल्व करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वहाँ के सीएम पर एक हमला हो जाता है। तो क्या सीएम जिंदा है या मर गए, और इस पूरे केस में सिद्धार्थ और उसकी सुपर पावर कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, और सीएम पर किसने हमला करवाया था और क्यों करवाया था, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसे स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीरीज के स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज है, जिसका ये मतलब है कि इस सीरीज में कुछ चीजें अच्छी हैं तो काफी कुछ बुरा भी है। लेकिन चलो पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह से सीरीज में सिद्धार्थ और उसकी सुपर पावर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया है और हमें बताया गया है कि किस तरह से वो इन सुपर पावर्स को यूज करता है और केस को सॉल्व करता है, वो सब इतना अच्छा तो है ही कि हमारे सीरीज में एक इंटरेस्ट बन जाता है। और उसके ऊपर से ये सीरीज भी काफी छोटी है, जिसके कारण इस सीरीज में लगभग हर वक्त कुछ ना कुछ होते रहता है, और ये चीज उन लोगों को जोड़कर रखने में कामयाब होगी जो ज्यादा कॉन्टेंट नहीं देखते हैं और टीवी सीरियल ज्यादा देखते हैं। लेकिन जो मेरी तरह की ऑडियंस है उनके लिए सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल्दो इस सीरीज का कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो बिलो एवरेज है। स्पेशली सीरीज का सेकंड हाफ मुझे काफी ज्यादा डल और खिंचा हुआ लगा। जब ये दोनों एक दूसरे की मेमोरीज में जा रहे थे वो मुझे काफी ज्यादा गैर जरूरी लगा, और उसके ऊपर से जिस तरह से सीरीज में मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई है वो भी मुझ पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई, और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो भी मुझे काफी बेसिक लगे, क्योंकि हर एक ट्विस्ट को मैंने काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर लिया था। स्पेशली सीरीज की जो एंडिंग है वो कुछ लोगों को सरप्राइज कर सकती है, लेकिन मुझे पता था कि ये सीरीज ऐसे ही एंड होने वाली है। और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसमें भी कोई जान नहीं है, सभी कैरेक्टर्स को बस बेसिक लेवल तक ही डेवलप किया गया है, जिसके कारण हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह का कनेक्शन नहीं बन पाता जिस तरह का बनना चाहिए था। और जो कैरेक्टर्स के विषय डायनामिक्स है वो भी बस रूटीन है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक ही है, किसी का भी काम ऐसा नहीं है जो आपको याद रहे, बल्कि कुछ सीन्स में तो ये एक्टर्स हमें ओवर एक्टिंग करते हुए लगते हैं। और जहां तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन तो इस सीरीज का काफी खराब है, और अगर डायरेक्टर चाहते तो ये सीरीज काफी बेहतर बन सकती थी, लेकिन एडिटिंग अच्छी है। और जहां तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बिलो एवरेज सीरीज है जो कि उन लोगों को पसंद आ सकती है जो ज्यादा कंटेंट नहीं देखते हैं, लेकिन एक मैच्योर ऑडियंस के लिए इस सीरीज में कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सीरीज देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है, और अगर आपने ये सीरीज देख लियो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।